यदि मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछूं कि प्रभु श्री राम की अर्धांगनी माता सीता के पिता कौन है, तो आप में से कुछ लोगों का उत्तर अवश्य ही राजा जनक होगा और कुछ लोगों का उत्तर रावण होगा, क्योंकि आप सभी ने माता सीता के पिता के रूप में इन दोनों के नाम ही सुने होंगे। परंतु ना तो राजा जनक माता सीता के पिता हैं और ना ही रावण। अब प्रश्न यह उठता है कि जब ये दोनों ही माता सीता के पिता नहीं हैं, तो माता सीता के पिता हैं कौन? आप सभी के मन में उठ रहे इसी प्रश्न का उत्तर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं माता सीता के पिता के बारे में। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हम सब अब तक सिर्फ यही पढ़ते और सुनते आए हैं कि माता सीता के पिता राजा जनक और माता सुनैना है, क्योंकि टीवी धारावाहिकों में यही बताया गया है। यहां तक कि रावण को भी माता सीता का पिता बताया गया है, परंतु सत्य यह नहीं है। माता सीता के पिता ना तो राजा जनक हैं और ना ही रावण। माता सीता का जन्म किस प्रकार से हुआ और वे किसकी संतान है, वह मैं आपको इस पौराणिक कथा के माध्यम से बताता हूं। यह तो आप सभी को ज्ञात ही है कि रावण अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान राक्षस था। उसने अपनी शक्ति के मद में चूर होकर अपने राज्य और उसके आसपास के सभी ऋषि मुनियों पर यज्ञ और हवन करने पर कर लगा दिया था। जी हां, यह बिल्कुल सत्य है। और जो भी ऋषि मुनि कर देने से मना करते थे, वह उन्हें दंडित किया करता था। एक बार जब रावण ऋषि मुनियों से कर वसूलने गया, तब कुछ ऋषि मुनियों ने उसे कर देने से मना कर दिया। रावण ऋषि मुनियों की इस बात से अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने दंड स्वरूप ऋषि मुनियों के मस्तक से रक्त की कुछ बूंदें निकाली और एक घड़े में भरकर अपने सोने के महल में चला गया। जब रावण महल में पहुंचा, तब उसकी पत्नी मंदोदरी ने उसके हाथ में घड़ा देखकर पूछा, इसमें क्या है? तब रावण ने बताया कि घड़े में विष है, इसे हाथ ना लगाना। उसके पश्चात रावण शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर चला गया और वहीं कई दिनों तक रुका। जब रावण कैलाश पर्वत पर था, तब मंदोदरी ने उसे वापस बुलाने के लिए कई संदेश भेजे, परंतु रावण अपनी तपस्या में लीन होने के कारण वापस लंका नहीं लौटा। इस बात से क्रोधित होकर मंदोदरी ने उस घड़े में भरे रक्त को विष समझकर पी लिया और उसके उपरांत वह गर्भवती हो गई। जब मंदोदरी गर्भवती हुई, तब रावण कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहा था, जिस कारण मंदोदरी को यह भय सताने लगा कि यदि किसी को यह ज्ञात हुआ कि वह गर्भवती है, तो पूरा राज्य और उसका पति रावण
उस पर चरित्र शंका करेगा, परंतु वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। मंदोदरी ने नौमा उपरांत एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और उसे सोने के घड़े में रखकर राजा जनक के राज्य में पड़ने वाले खेत में गाड़ दिया। जिस समय मंदोदरी ने ऐसा किया, उससे बहुत समय पूर्व से ही राजा जनक के राज्य में बहुत भयंकर सूखा और अकाल पड़ा हुआ था। उससे बचने के लिए राजा जनक को एक आकाशवाणी हुई थी कि जब वे अपने राज्य के खेतों में हल चलाएंगे, तभी उनके राज्य को सूखे और अकाल से मुक्ति मिलेगी। राजा जनक आकाशवाणी के कहे अनुसार खेतों में जाकर हल चलाने लगे और वे उसी स्थान पर पहुंच गए जहां मंदोदरी घड़े में रखकर उस कन्या को गाड़ आई थी। राजा जनक के हल्की नोक जैसे ही सोने के घड़े से टकराई, उससे ध्वनि उत्पन्न हुई, जिसे सुनकर राजा ने उस ध्वनि की ओर देखा तो वहां सोने का घड़ा था, जिसे खोलकर उन्होंने देखा तो उसके अंदर एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा और उसका पालन पोषण अपनी पुत्री के समान ही किया। और हां, जब से राजा जनक को माता सीता मिली थी, तब से उनके राज्य का सूखा और अकाल समाप्त हो गया था। इस कथा के माध्यम से अब तो आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा कि माता सीता किसकी संतान है। अभी भी आप सबके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि जब मंदोदरी माता सीता की माता थी तो रावण उनका पिता हुआ, क्योंकि रावण तो मंदोदरी का पति था। भले ही रावण मंदोदरी का पति था, परंतु वह माता सीता का पिता नहीं था, क्योंकि माता सीता का जन्म मंदोदरी और उसके मिलन से नहीं हुआ था। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।